चंडीगढ़ में अधिकतर महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनके बिना हेलमेट टू व्हीलर ड्राइव करने और पीछे बैठने के चालान हो रहे हैं। वहीं जिन महिलाओं के चालान हो चुके हैं उन्हें ऑनलाइन चालान घर पहुंच रहे हैं। चंडीगढ़ की एसएसपी ट्रैफिक मनीषा चौधरी ने महिलाओं से अपील की कि वह चंडीगढ़ की सड़कों पर हेलमेट पहनकर ही ड्राइविंग करें और पीछे बैठे, यह उनकी सेफ्टी के लिए है। एसएसपी ने बताया कि बीते मार्च में महिलाओं के लिए हेलमेट रैली निकाली गई थी, उसके बाद से महिलाओं के विदाउट हेलमेट के चालान में तेजी लाई गई है। इन चालानों में सिर्फ सिख महिलाओं को ही छूट मिली है। सिख महिलाओं ने चाहे टर्बन पहनी हो या नहीं, उन्हें चालान से छूट है, जबकि अन्य महिलाओं के लिए ऐसी कोई छूट नहीं है। एसएसपी ने बताया कि इससे पहले भी चंडीगढ़ में महिलाओं के विदाउट हेलमेट के चालान होते थे। चंडीगढ़ में ट्रैफिक नियमों की पूरी तरह पालना करने और सड़क हादसों में कमी लाने के मकसद से यह कदम उठाया गया है। कि ये हमने हमारी लास्ट जो स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग भी थी पिछले साल नवंबर में, उसमें ये इशू डिस्कस हुआ था कि महिलाएं जो टू व्हीलर या तो चला रही हैं या पिलियन राइडर के तौर पर यूज़ कर रही हैं, उनमें हेलमेट विदाउट हेलमेट के वायलेशंस बहुत ज़्यादा राइज हुए हैं और काफ़ी एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं पेट्रोल और नॉन पेट्रोल जिनमें महिलाएँ हेलमेट नहीं पहन रही। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन हुआ था कि महिलाएँ जो एज पर हमारे चंडीगढ़ मोटर व्हीकल रूल्स हैं उनमें सिख वेमेन को एग्जम्पशन है हेलमेट से, बाकी महिलाओं के हमने चलान इस साल से करने शुरू कर दिए। पिछले 2-3 महीने में काफ़ी तेज़ी आई है इन वायलेशंस में और अभी तक हम जून माह तक अगर मैं बात करूँ तो टोटल 7,000 ऐसे वायलेशंस हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स ने हैंडी कैमराज के थ्रू कैप्चर किए हैं। ऐसे सभी वायलेटर्स को हम नोटिसेस भेज रहे हैं, पोस्टल चलान भेज रहे हैं रजिस्टर्ड ओनर्स को, और अगर फिर भी किसी वायलेटर को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कोई गलत चलान आ गया है या उनका चलान जो है जस्टिफाइड नहीं है, वो चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं और अपने चलान के बारे में कोई भी क्वेरी या कंसर्न से हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट मैं सभी महिलाओं को अपील करना चाहूँगी कि अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए रोड और ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए वो जब टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं या पिलियन राइडर भी कर रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहनें, ये उनकी अपनी सुरक्षा के लिए। एसएसपी ने बताया कि पिछले वर्ष नवंबर में स्टेट रूट सेफ्टी की बैठक हुई थी, इसमें यह मुद्दा लाया गया था कि टू व्हीलर चलाने वाली और टू व्हीलर के पीछे बैठने वाली महिलाओं के विदाउट हेलमेट के वॉयलेशन ज्यादा हैं। एसएसपी ने बताया कि पिछले 2-3 महीनों में इन चलानों में काफी तेजी आई है। उन्होंने बताया कि बीते जून महीने तक लगभग 7,000 ऐसे चालान ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने हैंडी कैमरा के जरिए कर चुके हैं। ऐसे सभी वायलेटर्स को नोटिस और पोस्टल चालान भेजे जा रहे हैं।